दूंगा आपका, जल्दी से बना दूंगा। दो प्रतिरोध इधर जुड़े हुए हैं, एक वहाँ लगा हुआ है। या इसके ऊपर बैटरी लगी हुई है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर। ठीक ठीक, करंट आपकी जा रही है, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट हमेशा जाता है। तो आई आपको दे रखी है 0.5 एम्पियर, 6 ओम, और आपको आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है आर। देखिए ये प्रतिरोध कहीं सर्किट में नहीं होता, ये इस बैटरी की खुद का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, लेकिन हम उसको अंदर बना नहीं सकते, इसलिए बगल में बना दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, कन्फर्म रहेगा। इसके बाद और ई, मैंने आपको बताया था बैटरी के विभव को या वोल्टेज को ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि सेल इलेक्ट्रोड जो होता है ना, उस इलेक्ट्रोड की वजह से ई से इलेक्ट्रोड भी होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल है उस वजह से सिंबल ई बना दिया जाता है। तो ई इक्वल टू 2 वोल्ट, इतना आपको दे रखा है। अब हमको एक क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे? तो एक ही तरीका है, पहले आपको आर निकालना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमें दिया क्या क्या है, आई हमारे पास है, आपके पास वी भी है 2 वोल्ट, आपको आर निकालना पड़ेगा। तो कुल आर पहले तो परिपथ का आर निकालिए, तो हम जानते हैं कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अगर आर निकालेंगे तो 1/R1 + 1/R2 का फार्मूला लगाएंगे, 1/6 + 1/6, एलसीएम होगी 6, तो 1 + 1 = 2/6, 2 × 2 = 2, 3 × 6, तो 1/R = हो गया 1/3, तो R = हो गया आपके पास 3। तो ठीक, अब इसके बाद देखिए ये सिर्फ इतने का प्रतिरोध आया। ठीक है, आपको सिंबल में कन्फ्यूजन होती है कि हम किसको कहाँ क्या बताएं, तो आप उनके आसपास डाल लीजिया करिए, जैसे ए बी डाल दिया, तो अब ये सिंबल के नीचे मैं ए बी चलाऊंगा, कि मैंने ए और बी के बीच का निकाला, कहाँ का निकाला, ए और बी के बीच का निकाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, पूरा सर्किट का चाहिए, तो एक देखिए, या हम तो ये स्मॉल आर इसमें जोड़ सकते हैं सीरीज में, या डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा आपका आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल, है वही चीज बी अपॉन आर ही, लेकिन बी की जगह पर ई ले लिया, और यहाँ पे साथ में क्योंकि श्रेणी क्रम में ही होगा, तो वो एक स्मॉल आर इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में अलग कर लिया। अब देखिए सब कुछ है आपके पास, आई की जगह पे आपके पास 0.5, ई की जगह पे 2 वोल्ट, आर हमने निकाल लिया है 3, और स्मॉल आर हमें पता है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, तरीके कई हैं, पॉइंट से आप बचना चाहते हैं तो इसका पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट हटाया नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1, और फिर उसके बाद 0 एक डिजिट के बाद इसको काट दीजिए, तो 5 × 2 = 10, तो आपके पास सिंपल सी लाइन बन जाएगी, 1/2 = 2/3 + R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, 3 + R = 4। ठीक है, अब R इक्वल क्या होगा, 4 − 3, तो R = आ गया 1 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है, अप्रॉक्सीमेट 1 ओम, कितना है 1 ओम। ये जब तक आप क्वेश्चन अपनी रफ कॉपी पे देख के या समझ के इनको करेंगे नहीं, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आपको चीज समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आप जब आपको कहा जाएगा करिए, तब आप सोचेंगे स्टार्ट हम कहाँ से करें, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इन क्वेश्चनों को जो है अपनी कॉपी पे करें। ठीक है, अब मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन स्क्रीन में साइड में दे सकता था, लेकिन कोशिश करूंगा अगर हो जाएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि फिर ये छुप जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो है अगर हो सकेगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है बहुत सारे। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ सारी वैल्यू है, तो आप ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान लगाएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 9 नंबर भी फिगर वाला है, नहीं 9 वाला फिगर वाला नहीं है, 3 प्रतिरोध। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं लेकिन लॉजिकल हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से आप कर सकते हो उन क्वेश्चनों को भी, इसको मैं साफ कर देता हूँ। क्या है अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। देखिए 3 प्रतिरोध, यानी आपको एन इक्वल टू कितना दे रखा है, 3, यानी प्रतिरोधों की, और एक प्रतिरोध का नाम मान वैल्यू कितनी है, 2, कितनी 2 ओम।
इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। कुल आपसे आर की वैल्यू कह रहे हैं कितनी हो जाए, 3 ओम हो जाए। तो अब एक चीज देखिए, आप 3 प्रतिरोध है, अगर हम सभी को श्रेणी में जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, आप सीधे सीधे जुड़ के 3 × 2 = 6। लेकिन आंसर तो यहाँ उसका हाफ ही लिखा, तो इसका मतलब सभी से श्रेणी में नहीं जोड़ेगा। अगर हम सबको समांतर में जोड़ देते हैं, पैरेलल जोड़ देते हैं, तो पैरेलल कनेक्ट करने में आंसर हमेशा जो दिया जाता है उससे छोटा आता है, यानी 2 से भी छोटा आएगा फिर, तो यानी उसमें भी नहीं जोड़ा जाएगा। अब 3 ही कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर सी बात है आपको 2 समांतर जोड़ने पड़ेंगे और आपका एक ही क्रम बनता है, ठीक है ना। अगर भाई 2 श्रेणी 1 समांतर तो कभी हो ही नहीं सकता ना, तो अब आप मतलब बनाने को तो आप बना सकते हो, लेकिन उसमें 2 × 2 = 4 और फिर उसको 1/4 के साथ करोगे तो वो रेशनल नंबर वैसा आएगा, अपॉन में करके आएगा, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और 1 को, अब ये मैंने दिमाग कैसे लगाया, तो मैंने 3-4 कैलकुलेशन अपने मन में की इतनी देर में, आपको नहीं मालूम तो आप रफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैंने तुरंत इसमें जोड़ दिया 2 × 2 = 4 = 6 तो ज्यादा हो गया, अपॉन करके जोड़ दिया तो 1 हो गया, तो इसलिए दोनों के बीच का क्या हो सकता है। तो एक बार हम ये वाला दिमाग में करते हैं कि 2 पैरेलल और 1 सीरीज, यानी कि इस तरीके से करते हैं 2 को पैरेलल में। देखिए अगर डायग्राम आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, इस तरीके से जोड़ते हैं 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो ये बात पहले मैंने रफ में क्लियर कर ली, अब आपको ये बात लिखनी होगी, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। क्लियर है, ठीक। इसके बाद देखिए, अब फिगर मैंने भी बना दिया, आपको इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आप कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 समांतर हो जाएंगे तो उसके बाद आप चाहें तो करके दिखा दीजिए। 1/r = क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2। तो देखिए नाम डाल दीजिए ए बी और सी, ठीक। तो पहले हमने ए भी निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 1 + 1, तो 2/2, ये आ गया 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो आर ए बी, यानी पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1 ही आएगा। फिर और आपके पास आर बी सी कितना है, 2 ओम। तो अगर टोटल आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आर ए सी पूरे का, तो आर ए बी प्लस आर ए आर बी सी, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 + 2 बिल्कुल, यानी हमारा ये सर्किट जो हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही, ठीक है। ये इससे क्लियर होता है, आपको एक कैलकुलेशन यानी सोल्यूशन करके दिखाना है और आपको फिगर बना के दिखाना है, इसलिए क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर हो गया। 9th के बाद 10th की वैल्यू, 10th की बारी आती है। 10th में आपसे पूछा गया है कि 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए आइए इसको भी करते हैं हम लोग। तो आपको पता है जब 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, समांतर भी है श्रेणी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी है उसका पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। देखिए आपके पास 10th क्वेश्चन है, आपको 3 प्रतिरोध दे दिए गए, R1, R2, R3, R2 और R3 और उसके बाद, ठीक। क्या क्या वैल्यू है प्रतिरोधों के, जो वैल्यू है 4, 6, 12, 4 ओम 6 ओम और 12, और वोल्टेज है 22, ठीक है, 22। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को इसमें आई निकालनी है, 2 कंडीशन में 2 क्वेश्चन है। तो पहला फर्स्ट नंबर है आपका इस क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में, किसमें, श्रेणी क्रम यानी सीरीज,
श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हमें मालूम है कुल आर कैसे निकलता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सीरीज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सीरीज। तो आर वन आर टू फोर प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व, ये आपका हो जाएगा 22 ओम। और आई इक्वल टू फार्मूला होता है वी अपॉन आर, वी की वैल्यू आपको 22 दे रखी है, आर की वैल्यू भी 22 है, 22 से 22 कट गया, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1 1। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सेकेंड नंबर, यानी कौन सा, समांतर के लिए, पैरेलल, ठीक है, समांतर के लिए। तो जब समांतर के लिए हम लोग बात करेंगे तो समांतर में क्या हो जाएगा आपका, I इक्वल टू, तो पहले R निकालिए, तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, अपॉन करके जोड़ेंगे सब। तो अपॉन करके जब जोड़ेंगे हम, तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 5। अब देखिए तीन वालों की एलसीएम कैसे सॉल्व की जाती है, एलसीएम का मतलब सीधा सा है वो नंबर लिखना है जिसमें तीनों का डिवाइड चला जाए। तो आप ध्यान से देखिए, जो बड़ा नंबर लिखा है उसमें तीनों का डिवाइड चला जाएगा, तो आप वही लिख लीजिए। अब इस 4 का इसमें डिवाइड करना है कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और उस 3 का उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना। फिर इसी तरीके से 6 का 12 में मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स गया, उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना, और 12 का 12 में यानी 12 का 12 में देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, ये सब ऐड होके 6 बाई 12, 6 को काट देंगे, 6 वन या 6, 6 टू या 12, तो आपके पास सिंपल सा बन गया क्या, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्वल टू बन जाएगा 2, ठीक। अब फार्मूला लगाएंगे तो आई इक्वल बी अपॉन आर, तो बी की जगह 22 था, आर की जगह पे 2, 2 वन या 2, 2 वन या 2, तो आपके पास आई इक्वल टू आ जाएगा 11 एम्पीयर। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा सीरीज और पैरेलल में जोड़ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर में आपको परिपथ ही दिया गया है, ठीक है, डायग्राम है, डायग्राम के बाद ही आपको करना है उस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें अगर हम लोग करें तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डायग्राम आपको बनाते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है, हो सकता है इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई हो हल्की सी, तो उसको एक दो बार आप करिए जरूर, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग 11 नंबर में, तो 11 नंबर में डायग्राम आपका क्या बनाया हुआ है, एक बैटरी है आपकी, पॉजिटिव निगेटिव की जुड़ी हुई है, ठीक है, की है, की के बाद आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या आपके पास रेजिस्टेंस, एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद दो, ठीक है, ये पॉजिटिव से करंट जाएगा। अब देखिए 1 ओम 3 ओम 6 ओम, क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है आपके क्वेश्चन में, इस परिपथ में जो है धारा की गणना करनी है, धारा तथा विभवांतर की गणना करनी है, किसकी किसकी, धारा तथा V की गणना कीजिए। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग, आपसे देखिए एक ये थोड़ा मतलब एक ओम में यहाँ पर वी निकालना है, तो अब इनके नाम रख लेते हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि कहाँ से क्या निकालना है, तो या तो थ्योरी में पूरा लिखे, तो हम क्या करते हैं इसका नाम ए बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं, और इस पॉइंट का डी रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमको आई निकालनी है पूरी सर्किट की, तो पूरी आई निकालने के लिए आपको सर्किट का पूरा क्या पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आर ए बी निकाल लेते हैं, आर ए बी, तो आर ए बी आपको पता है समांतर में लगे हुए हैं, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। देखिए आप बार बार फार्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन लिखिए एग्जाम में आप लिखिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6, 3 टू या 6, 2 वन या 2, और जब आपको ना समझ में आए मल्टीप्लाई लिख लीजिए, और इसके इसमें तिरछा कर दीजिए, 6 वन या 6 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बाई 6, 3 वन या 3, 3 टू या 6 तो 1 बाई 2, ये आया 1 अपॉन आर ए बी, तो आर ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2, ठीक। इसके बाद हम लोगों को पता है कि जो टोटल आर निकालना है, हम लोगों क्या निकालना है, टोटल कैपिटल आर, तो वो आर ए बी और प्लस आर सी डी के इक्वल होगा,
क्योंकि वो सीरीज में है। किस में है आपके? सीरीज में है। तो अब इसके बाद आगे हम जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सिंपल सा बन जाएगा 2 ओम और प्लस 1 ओम, ये कितना हो गया हमारे पास 3 ओम। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी आपको दे रखा है कितना, 9 वोल्ट। वी कितना दे रखा है आपको, 9 वोल्ट दे रखा है। तो 9 अपॉन R की वैल्यू 3, 3 3 9, तो I इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 वोल्ट, 3 एम्पियर। अब देखिए, अब आपको किसमें पूछा जा रहा है, 1 ओम प्रतिरोध का विभवांतर बताइए, यानी कि बिजली का ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा। तो अब इसके लिए सिंपल सा तरीका, जहाँ का आपको V पूछा जा रहा है वहाँ का I और वहाँ का R लेना है, वहाँ का I और वहाँ का R लेना। यानी कि अगर हमसे इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जा रहा है तो क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा नहीं इसलिए मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। V इक्वल टू, अब V हमको कहाँ का निकालना है, C और D का, तो फिर करंट भी और R भी यहीं के होंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं परपथ यानी सर्किट डायग्राम में पूरा जो करंट फ्लो होता है वो एक ही जैसा होता है, तो खाली आई लिख देंगे तो चल जाएगा आपका। इसके बाद वो हम लोगों ने वैल्यू निकाली 3 और रेजिस्टेंस निकला इस जगह का सिर्फ है 1, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट VCD। क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको अप्रोक्सीमेट काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। 11 के बाद 12 नंबर कराते हैं। देखिए 12 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इस साल भी ये आने के 100% चांस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको जरूर सीखिए। इसको पहले मैं साफ कर लेता हूँ। आइए 12 नंबर करते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है, ये फिगर है आपका। अब इसमें देखिए आई इक्वल 1.5 एम्पीयर, तीनों में एक जैसी ही होगी। ए और बी के बीच में आपसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक का वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या क्या पूछा, कैसे करना है आपको, देखिए समझिए। एक तो आपका रेजिस्टेंस पूछा, दूसरा आपसे कुल ए और बी के बीच पूछा है आपसे वोल्टेज, एक आर पूछा है आपसे, ठीक है, और एक यानी ये वाला आर, और एक आपसे टोटल वी ए बी पूछा है। तो देखिए अब सिंबल में हमें जब इनकी पर्सनली हम बात करेंगे तो फिर हमें सिंबल लेने पड़ेंगे। तो ए बी ए हो गए और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट और ले रहा हूँ, सी और डी, ठीक है। तो इजी हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, आर की ही बात कर लेते हैं। तो आपको पता है आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट नंबर करते हैं हम लोग आर निकालने, तो देखिए आर निकालना है, आई आपके पास है 1.5 एम्पीयर और बी है आपके पास 3 वोल्ट। तो सीधा सा फार्मूला लग जाएगा वी इक्वल टू आई आर और आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो V की वैल्यू कितनी है, 3 और I की वैल्यू है 1.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, फिर 3 2 30, R इक्वल टू कितना आ गया 2। ये आपके पास R कितना हो गया 2, एक आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में समझिए, आपसे टोटल V पूछ रहे हैं, तो आपको हर एक का स्पेशली V निकालना पड़ेगा। तो हर एक का V कैसे निकलेगा, तो जहाँ का V निकालना है वहाँ का I और वहाँ का R। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप V1 V2 V3 करके भी लिख सकते हैं, ABCD करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, तो अब हमने सिंबल डाल लिया, मैं तो वही लिखूंगा, VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू RAB, AB नहीं पूरा अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ इसका निकाल रहा हूँ, AC का निकालना है, तो सिर्फ AC तक का होगा। आई है 1.5 इंटू 3, तो 45, तो 4.5 वोल्ट कन्फर्म, ये आया VAC यानी इसके बीच का वोल्टेज। फिर इसी तरीके से यहाँ का तो दिया ही है उन्होंने, BCD का कितना है हमारे पास, वो तो 3 वोल्ट उन्होंने दे ही रखा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है आपको। फिर इसके बाद BC हो गया, BCD के बाद अब DB का निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैं इस तरफ कर देता हूँ, क्योंकि तो नीचे आपको साफ दिखेगा नहीं, DB इज इक्वल टू I इंटू RDB। आई है 1.5 क्योंकि श्रेणी है तो सभी जगह करंट सेम होगा, और इंटू RDB है आपका 4, तो 15 चौको 60 यानी 6.0 वोल्ट। इसके बाद अब टोटल V जो होगा VAB, वो तो इन तीनों का एडिशन भी इक्वल होगा,
एसी के, बी सीडी के और प्लस बी डीडी के, सभी को जोड़ दीजिए। पहला था आपका कितना 4.5, दूसरा आपको 3 वोल्ट दिया था और ये 6 निकला, तो कितना आ गया 13.5 वोल्ट। ये आपका टोटल क्या आ गया बी ए बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, अगला हम लोग करते हैं 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे एक 13 के बाद 17 नंबर पे है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो या मैं आपको, चलिए 13 में मैं आपको होमवर्क में लिख देता हूँ, ठीक है, आप शायद कर सकते हैं तो करिएगा, ट्राई मारिएगा। 13 नंबर में भी जो है तीन आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, 10, 6 और 4 के, 10, 6 और 4 के। सिंपल सा है, 10, 6 और 4, 10 ओम, 6 ओम और 4, ठीक है। और आपके पास बैटरी इसमें जोड़ दी गई है कितना, 10 वोल्ट। अब आपसे इसमें सिर्फ पूछा क्या जा रहा है, आपसे केवल और केवल एक ही चीज पूछी जा रही है, एक करंट बताइए और एक 10 वोल्ट पे सिरों पर विभवांतर, 10 वोल्ट है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हर एक का आपको वी भी बताना है, हर एक का वी बताना है, ये R1 R2 है, अगर R1 R2 R3, तो आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है, यानी एक तो I पूछा जा रहा है, तो I तो सब में कॉमन होगी, और आपसे V1 V2 V3 ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फंडा क्या होगा, कुल R आपको निकालना होगा, तो कुल R कैसे निकलेगा, श्रेणी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 4, तो इक्वल हो जाएगा आपका 20 ओम। उसके बाद आपके पास E कितना है, यानी V कितना दे रखा है 10 वोल्ट, तो आपके पास सीधा फार्मूला लगेगा I = V / R, V की वैल्यू आपको 10 है और R की वैल्यू 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का डिवाइड करें यानी 1/2 बचा, अब 2 का डिवाइड करेंगे तो इसको 0.5 ही तो बोलेंगे, हाफ एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आई आपके पास आ गया, अब आपको जहाँ का वी निकालना है वहीं का आई और वहीं का आर, तो वी वन हम निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा IR1, तो आई की वैल्यू आपके पास थी 0.5 × R की जगह पे हाफ कट 10, तो कितना हो जाएगा 10 × 50 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, इतना। फिर इसी तरीके से अगर V2 निकालेंगे तो V2 कितना हो जाएगा IR2, तो I है आपके पास 0.5 और R की वैल्यू है कितनी आपके पास R2 की 6, तो 15 × 30 1 डिजिट के बाद पॉइंट वोल्ट, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग V3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे V3, तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में कर दे रहा हूँ, आप साफ सुथरा करें लाइन से नीचे, V3 = IR3, तो I की जगह पे आपका कितना हो गया 0.5 और R3 की जगह पे कितना हो गया 4, 4×5 = 20, या आपका हो गया 0.2, ठीक। इस तरीके से आपके ये आंसर हो गया, कन्फर्म है, ठीक है। और ये आपका करंट आया था I = 0, मैंने लिखा नहीं साफ सुथरा, I = 0.5 एम्पीयर, आंसर को एक बार साफ सुथरा आपको लिखना जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसके बाद भाई मार्क्स, अगर कोई बच्चा अच्छे से लिखता है, आप नहीं अच्छे से लिखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर 14, भी सिंपल है, आपको मैं 17 बता देता हूँ ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे के करीब होने जा रहा है। तो 17 नंबर में अगर मैं आपसे कराऊँ, तो देखिए 17 और 19 में आपको दो बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग में, जो पूछे जा चुके हैं कई बार, देखिए बाकी सब सिंपल है इसी तरीके के हैं। और ये मैंने अगर आपको बता दिया 17, और हो सकता तो मैं 16 भी करा दूंगा,
ठीक है, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं 16 ही करा देता हूँ। 16 में वीडियो साफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर। तो 16 नंबर कैसे करेंगे, देखिए ये इसका डायग्राम है। तो अब इसमें आपसे तीन चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक टोटल आर, ठीक है, आपसे तीन पार्ट में पूछा गया है। फर्स्ट नंबर है आपका टोटल आर पूछ रहे हैं, सेकेंड नंबर में आपसे टोटल आई पूछ रहे हैं, और थर्ड नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर इस तरफ मैं लिख देता हूँ, थर्ड नंबर में आपसे बी पूछा जा रहा है, वो भी कहाँ का, ए बी, ए और बी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, बिल्कुल जैसे कर रहे थे वैसे तरीके से करेंगे। अब पहले आपको आर निकालना है टोटल, तो आर कैसे निकलेगा, तो अब देखिए इसका तरीका ये होता है कि हम पहले सीरीज लगाने लगे, समांतर लगाने लगे, हमें कैसे पता चले। तो रूल तरीका ये है कि आप बैटरी से निकलें पॉजिटिव साइड से, जैसे ही अगर स्प्लिट यानी दो भागों में ब्रांचेज यानी शाखाएं बट गई, तो जैसे ही बटी तो वो दोनों ब्रांचेज किसमें, समांतर में, उनको जब सॉल्व करेंगे तो अपॉन बटे करके सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर अगर लाइन से चल रहे हैं तो वो सीरीज सॉल्व होंगे, फिर उसके बाद फिर से मिल गए, फिर आपको सीरीज मिल गई। तो आप क्रम से देखिए, क्या आप पहले हमें यही मिला, तो हमें ये तो समांतर में दिख रहा है, तो क्या इनकी बिना सीरीज सॉल्व किए आप इसका समांतर सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको इसका आर वन निकालना पड़ेगा और आर टू ये हो जाएगा, फिर आर ए भी आ जाएगा, क्लियर है बात। तो देखिए मैंने इस पूरे को आर वन मान रखा है, तो आर वन कितना आ जाएगा, आर वन इक्वल टू 4+2, ये कितना हो जाएगा 6, मैं पहले फर्स्ट नंबर कर रहा हूँ, तो 6 ओम। आर टू आपके पास कितना हो गया, 6 ओम, तो आपके पास 1/RAB कितना हो जाएगा, 1/R1+1/R2, तो कितना बन गया आपके पास, 1/6+1/6, LCM आ गया 6, तो 1+1, तो ये हो गया 2/6 यानी 1/3, ये आया 1/RAB, तो RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 ओम, कितनी हो जाएगी, 3 ओम। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या, इस 6 ओम को, अब ये 6 ओम किसमें, सीरीज में है ना, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, RAB और प्लस जो नेक्स्ट है उसको मैंने R3 मान लिया, तो ये कितना हो गया, 6 ओम + 6 ओम इक्वल 12, कितना हो गया टोटल आर आपका, एक आंसर कम्प्लीट। फिर उसके बाद सेकेंड आंसर की अगर बात करें, तो सेकेंड आंसर हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे, सेकेंड नंबर पे I, तो I इक्वल टू होता है V/R, तो V, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन में देख लीजिए, आंतरिक प्रतिरोध तो नहीं है, क्योंकि अगर हाँ दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, ये बना नहीं है लेकिन थ्योरी में बोल दिया उन्होंने, तो आंतरिक प्रतिरोध आपको इस चीज़ क्या दे रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 1, तो फिर उसके लिए फार्मूला ये ना लगा के हम लोग ये लगाते हैं E/R+r, तो आई हमें निकालनी है, तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 20 वोल्ट, और कैपिटल आर हम लोगों ने कितना निकाला, 12/R+1, तो कितना हो जाएगा, 20/30, इसका जो डिवाइड करेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बी निकालते हैं। थर्ड नंबर में उन्होंने ए और बी के बीच में आपसे क्या पूछा है, आपसे जो है धारा पूछी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ गलती हो गई, ये 3 ओम था, यहाँ पे कितना था, ये 3 ओम, 6 और 3 तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 9, ये कितना होगा, 9 होगा, तो ये ऐड होके 10 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फ्रैक्शनल इतना बड़ा नंबर नहीं आता, इसलिए मुझे भी शक हुआ, तो जो है कितना आ जाएगा, 2 एम। इसके बाद अब हम लोगों को थर्ड नंबर पे क्या निकालना है, थर्ड नंबर पे निकालना है VAB, तो हमको पता है जहाँ का आई वहीं का आर, तो आई हमारे पास तो 2 एम्पियर हो गया, और RAB कितना निकाला था हम लोगों ने, 3 ओम, कितना निकाला, 3 ओम, तो कितना हो गया, 3 × 2 = 6 वोल्ट, यानी इस पे सिर्फ बिजली कितनी खर्च हो रही है, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट में 6 वोल्ट बैटरी दिखा रहा है, बाकी की 14 दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी 12, और 2 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगला नेक्स्ट है 17 नंबर, ठीक है, तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें इतना ही रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी मैं करीब 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से करीब मेरे 17 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद और मैं इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग वाले हैं ये क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो में आप लोग देखेंगे नहीं, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है, इतना ही रखते हैं इसमें।